भाई ओ भाई, हम आए थे 11। यहाँ से जाना डेंजरस है, अभी दिखाया अम्बा टेम्पल पहुंच जाओगे। ओम शंकर महादेव, कैसे आप लोग? तो दुनिया ने आपको बर्फ के मजे तो बहुत दिखाए होंगे, स्नोमैन बनाते हुए, स्नो फाइट्स, सब कुछ बहुत कुछ दिखाया होगा आपको। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्नो के सीजन में हमें कितनी मुश्किल होती है, कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं अभी उठाऊँ, देख सकते आप मेरे बाल, मैं अभी उठाऊँ और अभी उठते ही मेरे चाय पीने का मन हो रहा था। और मैंने जब पूछा दीदी से कि चाय बना दो, तो दीदी ने बोला कि भाई दूध तो है ही, बाहर का मौसम देख कौन लाएगा तेरे लिए दूध। तो अब चलिए दूध लेने के लिए उठते हैं। अब होपफुली बाहर जाके दुकान खुली हो, ऐसे मौसम में दुकान खुली मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए जाते हैं दुकान की ओर और देखते हैं हम अपना मिशन कम्प्लीट कर पाते हैं चाय पीने का कि नहीं। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। देखो यहाँ से अगर आप सीधा चलोगे ना ऊपर की ओर, तो आप सीधा हडिंबा टेम्पल पहुंच जाओगे। ये भाई शॉर्टकट है सीधा हडिंबा टेम्पल को जाने का मेरे घर से। कोई जानवर, जंगली जानवर यहाँ से गुजरा है, हम ऐसे पिहड़ में फंस चुके हैं जहाँ पे जंगली जानवरों का आना निश्चित ही है। तो चलिए चलते है दुकान की ओर। ये रखे दीदी ने दूध के लिए पैसे, तो चलिए पैसों को लेके चलते है दूध लेने। कुछ बर्फ के देखो, देख सकते हैं आप, मैं पूरा भाई पूरा डूब रहा हूँ, मेरे पूरा जूता डूब रहा है बर्फ में। ओ भाई 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 भाई, बर्फ का अटैक हुआ मेरे ऊपर, मेरा माथा उस बर्फ से टकराया है अभी अभी। हाँ ओ भाई, एक फुट कम से कम 1.5 फुट बर्फ है हमारे पास, और ये है बर्फ हमारी 2024 के पहले सीजन की। ओ भाई, मेरा आंगन तो भाई फुल पावर बर्फ से भरा हुआ है। ये देखिए नजारे, ये परे हैप्पी भाई बैठे हैं। ये अपने हैप्पी भाई का कॉटेज, और यहाँ पे भाई बुरे हाल हुए हैं। ओह अलग ही भाई, अलग ही मजा। तो चलिए चलते हैं, अभी भाई से भी मिल लिए, नीचे के बुरे हाल है। मैं आज आपको पूरा टास्क दिखाने वाला हूँ, एक दूध के लिए कितना टास्क करना पड़ेगा मुझे। ये गुप्ता जी की गाड़ी लगी और गुप्ता जी खुद नीचे किसी और की गाड़ी निकाल रहा है। ऐसी मदद करती रहनी पड़ती है भाई, बर्फ में मदद नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो छोटा सा बेबी चला था, पर मेरी वीडियो ऑन नहीं थी यार, शिट। तो देखो भाई जी कहाँ चल पड़े, बेल चले कि? अच्छा जा, वो पहले पड़ी नहीं बर्फ ना, अब बर्फ पड़ गई, एकदम तैयारी की नहीं बर्फ की। वही और भैया जी कैसा लगा बर्फ मनाली में? आराम से चलो भाई, ये बर्फ में नहीं फिसलते हैं। बहुत सारे लोग आए बर्फ देखने। गया था भी, अभी फिसलने वाला था भाई, झंड हो गई थी। मैं बोल रहा था इनको कि फिसलते नहीं, इस बर्फ में खुद ही फिसल गया था। तो इस बर्फ में भाई आपको एक ही काम आएगी, जिप्सी, जो कि भाई बिल्कुल खतरनाक स्टाइल से चल रही है। ओहो डॉग्स, तो पहुंच गए दुकान भाई के। ये अपने लाबू भाई, तो पैसे की
नो चल दूरो को हमने खिला दिए है बिस्किट। अपना स्ट्रगल हुआ फाइनली पूरा, अपने को मिल गया है दूध। जी हाँ, इसके लिए हम आए थे, ऐसी बर्फ में अभी फिसल भी गए थे। चलो ये देखिए, मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके आया। लोगों की गाड़ियां भाई महीनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है इधर, बर्फ का टाइम। ओ भाई क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई। ऐसा व्यू आपने ना भाई कभी नहीं देखा होगा यार, मेरे घर के पास ऐसा व्यू है। आई एम सो लकी ब्रो, इट्स सो लकी टू हैव सच अ व्यू आउटसाइड योर हाउस। सॉरी, मेटल के फैन है, मेटल के, रॉक मेटल। ये है मोनालसू हिमाचल टूरिज्म, क्रेजी 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 लैंड, वाइट लैंड, क्रेजी लैंड यो। और हमने इसी वाइट लैंड में ढूंढा है अपने लिए दूध, टास्क पूरा। जी हाँ, टास्क नहीं है तो भाई क्या है, बोल भाई। यहाँ देख तू, मैं कैसे कैसे पहुँचाऊँ मैं बर्फ में भाई, मैं जानता हूँ। और अपनी हालत अभी बुरे हाल हो गए होंगे। ये देखो टैंकर, कहीं आग उग लग गई मोहल्ले में तो टैंकर रखा है पानी का ऑल टाइम। और ऐसे बर्फ में आग लगा के दिखाए कोई। होटल बंद, गाड़ियाँ पैक, जो टूरिस्ट यहाँ थे वो यहीं रह गए, जो टूरिस्ट बाहर थे वो बाहर ही रह गए। जूते में देखो एक एक फुट बर्फ जम चुकी है। ओ भाई, हाँ। और मेरी रिकॉर्डिंग्स ना बीच बीच में कई जगह बंद हो गई यार, भाई बड़ा दुख हो रहा है वहाँ। और भाई बढ़िया, वो देखो भाई जी, टास्क था मेरा ये दूध लाने का। हाँ गाड़ियाँ भाई फुल, अब एक दो महीने बाद ही निकलेगी ये सारी गाड़ियाँ, जब ये पूरी बर्फ हटेगी। और यहाँ पे गड्ढा भी है यार भाई, जितना मेरे को याद है। जी हाँ, पता था मुझे। तो हमारी डेस्टिनेशन अभी पहले यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे हम, बैठेंगे हैप्पी भाई के साथ। हैप्पी भाई ने मेरे को सुबह से 4 कॉल्स किए और मैं सोया हुआ था, तो अब उसका मुआवजा अब तक भुगतना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा हैप्पी भाई के पास। चलो घुसते हैं कॉटेज में। इस रास्ते से मेरे को लगता है कि रात को ही लोग चले थे, फर्स्ट टाइम मैं ही चल रहा हूँ। ओ भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पता नहीं, पर सब्सक्राइब करें चैनल को ब्रदर्स। ओ भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, बहुत ही ज़्यादा मज़ा ये। पर ये बर्फ, कैन यू सी इट, कैन यू सी दिस, दिस इज हाउ। This is how you enter someone's house in snowfall. तो चलिए अभी इसके बाद सीधा जब घर जाऊंगा तब की वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, इनके साथ बात वगैरह करते हैं थोड़ी।
गिर रही है सारी बर्फ छत से अपने आप। ओ भाई ओ भाई, अलग ही भाई अलग ही। बाहर का व्यू भाई, बालकनी हो गई है बर्फ से पैक। ये देखो फुल पावर बर्फ चली है, लोग चले हैं। और ये मेरा दूध अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा, पर अब घर जाएंगे। वो रहा मेरा घर, चलिए चलते हैं घर की ओर। यहाँ से जाना डेंजरस है, अभी दिखाया मैंने आपको पहले कि ऊपर से छत से कैसे बर्फ़ गिर रही थी, और यहाँ देखो कितनी बर्फ़ गिर चुकी है छत से। आप कंपैरिजन कर सकते हो, उस तरफ देखो कितनी कम बर्फ़ है और इस तरफ कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। हम भी चलते हैं साइड से ऊपर। ओ भाई ऊपर तो भाई डेंजर है डेंजर। मौत के कुएं में बैठा था मैं। यहाँ देखो भाई गाड़ी पैक हो चुकी है पूरी। चलो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ओ भाई इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है, जब मैं निकला था घर से तब इतनी बर्फ़ नहीं थी, पर अब देख लो भाई मेरे घुटने तक पहुँच चुकी है बर्फ़। सही है सही है। ये अपनी जूली जूली, ये जूली है अपनी, सोई है मज़े से ठाट। इसका कमरा फुल पावर कमरा है जूली का, ये टॉयलेट वॉशरूम भी है इसके पास। जूली चल ठीक है भाई सो जा, दरवाज़ा खुला रखते हैं क्योंकि सुनहरे पर भी जाना होता है। अरे बाहर डॉग इज लाइफ। ये अपनी बाइक दिल्ली नंबर है, पर मैं रहता मनाली में हूँ, तो दिल्ली वाले लॉन्डो कमेंट करो कौन सी लोकेलिटी की बाइक है भाई। कुत्ता यहाँ पे भी कुत्ता, वहाँ पे भी कुत्ता, मेरे घर के पास भी कुत्ता। मर्डर कोई बात नहीं। कौन कुत्ता, जाओ जाओ कोई बात नहीं, जाओ खुला जाओ, हमारे घर में सभी को इनविटेशन है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, हम सबसे प्यार करते हैं और यही प्यार हमेशा बना रहे। सीढ़ियाँ पैक, तो लाइट है नहीं और बन रही है चाय। बहुत मुश्किलों से चाय के पास पहुंचा हूं मैं। लोगों हो गया है अपना मिशन पूरा, बन चुकी है चाय, और इस चाय के लिए कि हमने बहुत मेहनत इस बर्फ़ में जाके, यहाँ से यहाँ पे गिर भी गई थी मुझसे थोड़ी सी। चलो पीते हैं चाय मज़े करते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।